गारंटी देके जा रहा हूं। भारत में लोकसभा चुनावों के चलते हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर आते ही लोकसभा चुनावों में एक नया रुख आया है, क्योंकि सीएम केजरीवाल ने आते ही बीजेपी की केंद्र सरकार और पीएम मोदी के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम केजरीवाल का कहना है कि पीएम मोदी पिछले 10 सालों से अपनी ही दी हुई गारंटियां पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगले साल वह 75 साल के हो जाएंगे, फिर उनकी रिटायरमेंट के बाद गारंटियां कौन पूरी करेगा। केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी ने गारंटियां दी थी कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से किसानों को फसलों के दाम दिए जाएंगे, इस देश के हर घर के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पर मोदी जी अपनी किसी भी गारंटी को पूरा नहीं कर पाए हैं। सीएम केजरीवाल ये भी बोले कि मैंने दिल्ली और पंजाब की जनता को जो गारंटियां दी वह अभी तक पूरी कर दी है। इस बार जनता को तय करना है कि उन्हें मोदी की गारंटी पर भरोसा है या फिर मेरी। तो चलिए आपको बताते हैं सीएम केजरीवाल की पूरे देश के लिए दी गई 10 गारंटियां। पहली, मुफ्त बिजली। पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं पावर कट नहीं लगेगा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। शिक्षा, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए अच्छी और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। स्वास्थ्य, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल बनेंगे, देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि, चीन द्वारा अवैध तरीके से कब्जा की भारत की जमीन वापस लाने के लिए सेना की जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, देश के जवान। अग्निवीर योजना को बंद करके सारी सैन्य भर्तियां पुरानी प्रक्रिया की तरह तहत किया जाएगा, अभी तक भर्ती किए गए सभी अग्निवीरों को पक्का किया जाएगा। देश के किसान, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सभी फसलों पर MSP निर्धारित करके उन्हें फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। प्रजातंत्र, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। बेरोजगारी, बेरोजगारी को व्यवस्थागत तरीके से दूर किया जाएगा, अगले 1 साल में 2 करोड़ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन का विनाश किया जाएगा, ईमानदारों को जेल भेजने और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, दिल्ली और पंजाब की तरह भ्रष्टाचार पर सही मायने में प्रहार किया जाएगा। व्यापार, GST का आतंक खत्म किया जाएगा, GST को PMLA से बाहर किया जाएगा, उद्योग और व्यापार को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सभी कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सरलीकरण किया जाएगा। वीडियो डेस्क NDT ऑनलाइन।